भिंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के गोहद इलाके में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। आलम यह है कि यहाँ के लोग पानी के टैंकर के भरोसे हैं। इनमें भी एक समस्या है, टैंकर कभी कभी आता है, ऊपर से जितना पानी की जरूरत है यहाँ के लोगों को उतना टैंकर से पूरा नहीं हो पाता। रिपोर्ट आप देखिए। गर्मी आते ही जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वो है पेयजल की, लेकिन अभी तो ठीक से गर्मी भी शुरू नहीं हुई और भिंड में पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई। यहाँ के गोहद इलाके में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। आलम यह है कि लोग पानी के टैंकर के भरोसे हैं। वहीं जब इस इलाके में पानी का टैंकर आता है तो मानो ऐसी भीड़ हो जाती है जैसे सोना आया हो। लोग पानी के टैंकर के लिए घंटों इंतजार करते हैं और इन्हें मुश्किल से कुछ लीटर ही पानी मिल पाता है, वो भी बहुत जद्दोजहद करने के बाद। पानी की समस्या है, चौका चूल्हे करें कि पानी भरवे जाए, गले दूर जाते हैं पानी भरने। नगर पालिका का टैंकर आया, नगर पालिका का टैंकर आया तो थोड़े थोड़े बाद मिल गए, दो दो चार चार बार। पानी यहाँ पर 15 दिनों से आया नहीं है, पानी के लिए बहुत समस्या खड़ी हो रही है, इसीलिए हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल से ना स्कूल नहीं खुले थे, अब स्कूल खुल गए हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गोहद इलाके में जिस डैम से पानी की सप्लाई होती है वो डैम बिल्कुल ही सूख चुका है। वहीं अधिकारी एक दूसरे विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। सर बेसली डैम में पानी निकालने के बाद पानी नहीं भरा गया है जल संसाधन विभाग द्वारा। मेरे द्वारा कई बार निवेदन किया गया कि पानी खत्म हो रहा है, बेसली डैम में पानी भरें, लेकिन जल संसाधन विभाग की ओर से पानी उसमें प्रदाय नहीं किया गया है और पानी करीबन खत्म होने की कगार पर है। अभी पूरा गर्मी का सीजन बचा हुआ है। भिंड में अगर अभी ऐसे हालात हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन यहाँ के लोगों के लिए कितने परेशानियों भरे हो सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि इनकी समस्या जल्द से जल्द सुलझाई जाए, क्योंकि पानी है तभी तो जिंदगी है। भिंड से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टे।